गोरखपुर पुलिस की साइबर क्राइम सेल टीम को बड़ी सफलता मिली है। दिलचस्प है कि फोन पे ऐप हैक करके शातिर युवक ने 4 लाख रुपए निकाल लिया था। क्राइम ब्रांच और गुलहरिया पुलिस की टीम ने शातिर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार में आए आरोपी अखिलेश कुमार ने बताया कि उसे एक मोबाइल मिला था जिस पर फोन पे वॉलेट में काफ़ी पैसे थे। ऐसे में मैंने फ़ोन पे वॉलेट को हैक करके कुल 4 लाख अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। बाद में अपने SBI बैंक व आंध्र बैंक खाते में 2-2 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। वहीं मामले का खुलासा करते हुए CO प्रवीण सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच और थाना गुलहरिया के मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अखिलेश कुमार पुत्र रमेश निषाद निवासी ग्राम गोहना पोस्ट मंसूरगंज थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण सिंह का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CO क्राइम प्रवीण सिंह ने कहा, था सर इसे ट्राई किया अंदाजे जी सर नहीं करेगा तो वहाँ से कॉन्टेक्ट और अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या अगर आपके अकाउंट लिंक है तो उसको आप वहाँ कम से कम फोन करके कस्टमर केयर में अपना कप्तान साहब के मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो नियमित रूप से जनपद गोरखपुर में कार्रवाई चल रही है उसी के तहत साइबर सेल के द्वारा ये एक खुलासा किया गया है जिसमें रामनाथ नाम के व्यक्ति के मतलब ऑनलाइन अकाउंट से जिसमें 4 लाख रुपये का इलीगल ट्रांजेक्शन किया गया था। उसका फ़ोन मतलब गुम हो जाने के पश्चात उसी का ठीक सफल यहाँ पर अनावरण हुआ है जिसमें दोनों फ़ोन बरामद हुए हैं, जो फ़ोन उसका गायब हुआ था और इसके अलावा अभियुक्त का भी फ़ोन बरामद हुआ है। अभियुक्त महाराजगंज के अरे पनियरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। संक्षेप में मैं आपको ये बता दूं कि ये फ़ोन पे वैलेट एक्टिवेट था पीड़ित के मोबाइल में। जब उसका फ़ोन गुम हो गया तो उसी के फ़ोन पे वैलेट के साथ उसका अपना जो मतलब SBI का ऑनलाइन अकाउंट है वो भी उसके साथ लिंक था। तो इन्होंने क्या किया कि उसको मतलब हैक किया, OTP जनरेट कराया। OTP जनरेट कराने के बाद उसे मतलब अब तो हैक करने के पश्चात इन्होंने अपने पेटीएम में जिसमें इन्होंने ये कुल मिला के SBI और आंध्रा के 2 अलग अलग अकाउंटों में 2-2 लाख रुपये ही ट्रांसफ़र कर लिए, जिसमें यहाँ पर साइबर सेल और अब तो गुलरिया थाना अध्यक्ष ने इस केस का सफल अनावरण किया। फिलहाल तो मतलब अकेले ही मतलब इनका नाम आया है कि इसने उस टेक्निक को सीखा कि किस प्रकार से मतलब OTP हम वहाँ जनरेट कर सकते हैं और OTP अरे अब तो जनरेट करने के बाद इसने वहाँ पे अपना मतलब जो पैसा ट्रांसफ़र किया। व्यक्ति अभी जो पीड़ित व्यक्ति है बेंगलोर में काम करता है और ये हम आपके माध्यम से एक प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं कि जिन लोगों के मैंने फ़ोन पर इस प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे कि अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकता है या उनके तो बैंक अकाउंट या डिटेल्स लिंक हैं, वो या तो अपने सिम के अब तो लॉक सेटिंग में जाके उसको तो लॉक करके रखें, या तो अगर उनका फ़ोन मतलब गुम हो जाता है सिम उनका गुम हो जाता है तो वो अपना सबसे पहले सिम डीएक्टिवेट कराएँ और अपने अकाउंट को भी डीएक्टिवेट करें।